देखा कि आपने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को ज्वाइन कर लिया है। मैं आपको इस बात के लिए साधुवाद भी देना चाहूंगा, धन्यवाद भी देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि जो हमने आज चर्चा की है उसे आज ही प्रारंभ कर दिया जाए। अपन कोशिश करेंगे सर। हाँ, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर 14,654 है, और आपने अपने बारे में लिखा है कि आप ब्राह्मण समाज यूनिवर्स के लोगों को, यू वांट टू यूनाइट द ब्राह्मण्स ऑफ यूनिवर्स। तो मैं तो कहूंगा कि सभी अच्छे मानवों को जो है ना जोड़ने का अपन प्रयास करें, और उनको एक ऐसा भारत दें जहां उन्हें 1921 में जो उनके साथ मामला कांड हुआ है मालाबार में, जिसमें लाखों की संख्या में लोग जो है हताहत किए गए, हत्या की गई, कत्ल किया गया, लोगों का धर्मांतरण किया गया, जो धर्मांतरण करने के लिए तैयार नहीं हुए उनके साथ रेप करके उन्हें कुएं में फेंक दिया गया, और उस समय की कांग्रेस में इतना साहस नहीं था कि इस घटना की भर्त्सना कर दे। हाँ और सर, मैं बीच में रोकूंगा। एक्चुअली कैसा है कि मुझे जो है किसी ब्राह्मण संगठन ने भी जोड़ा था, तो अब ये बोल पाना बड़ा मुश्किल है। कुटुंब आय में कई सारे लोगों ने मुझे जोड़ा हुआ है, तो ये ब्राह्मण संगठन में जो है ये स्लोगन था। अब ये इधर क्यों दिख रहा है? मुझे लगता है इसका वो हमको एक्चुअली में जब आप किसी पुरानी आइडेंटिटी दी आपकी कुटुंब ऐप पर है, तो वो हाँ आपको अलग से कोई एंट्री नहीं करना होती है, उसी आइडेंटिटी को वो कैप्चर कर लेता है। तो वही है सर जो तो है। उसमें उसमें आपने नहीं किया है, क्योंकि उसने आपको मौका ही नहीं दिया होगा, उसने सीधा आपको ज्वाइन कर दिया, क्योंकि आप ऑलरेडी कुटुंब ऐप के परिवार में हैं। जी जी तो सर आपको जब दूसरी कम्युनिटी क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप ने आपको जोड़ा, तो आप जी सीधे जुड़ गए। अच्छी बात है, मैं उस पर कोई नहीं, उस पर सर हम काम भी करते हैं। एक्चुअली क्या है, आज के समय में ब्राह्मणों का यूनाइट होना बहुत जरूरी है। एक बड़ा वर्ग मैं तो ये ब्राह्मण है हम। कहूंगा कि इस समय हर अच्छे मानव को यूनाइट होना जरूरी है, क्योंकि आज के दुष्ट नेता 77 साल बाद भी आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे गए हैं, और ये थोपे हुए हैं, और ये लज्जा और शर्म का विषय है कि जब नए 3 कानून बनाए गए, एक बड़ा अवसर था कि हम अपने अपने तंत्र के अनुसार उसे कानून को बनाते, लेकिन हमने उस अवसर को खो दिया है। हमने वही गुलामों के नियम कानून को यथावत थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंज करते हुए आपके ऊपर दोबारा थोप दिया है, और आप अपनी स्थिति को देखिए, आप अपने आप को जो है ना स्वतंत्र मान रहे हैं, आपका अपना तंत्र है ही नहीं। ये विडंबना का विषय है कि आप गुलामों के कानून से गुलाम जैसे रहने के लिए विवश हैं, आपको हर चरण पे अपमानित किया जा रहा है, आपका शोषण किया जा रहा है, आपको भ्रष्टाचार का शिकार बनाया जा रहा है, घटिया व्यवस्था के तहत जो आपके विधिक हक हैं उनका पालन नहीं हो रहा है, व्यवस्था में बैठे लोग अपनी विधिक जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, और आप एक गुलाम की तरह उसे सहने के लिए विवश हैं। ये जो डेमोक्रेसी का ढकोसला है, ये इस ढकोसले को हमें इन नेताओं की व्यवस्था में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये अपनी इच्छा से आपको अच्छा भारत कभी नहीं देंगे, ये आपको अच्छा तंत्र कभी नहीं देंगे, क्योंकि गुलामों के इस तंत्र के माध्यम से ही ये सत्ता में स्थापित हुए, ये अदरवाइज ये सत्ता में भी नहीं पहुंच पाते। तो आपको अच्छा तंत्र बिना उनको विवश किए आप को क्यों देंगे? और उसके लिए मूल मंत्र ये है कि भाई साहब, हम इन्हीं लोगों को विवश कर पाएंगे। बहुत आसान सा उपाय है, 10 10 लोगों को जोड़ो, ऊर्जावान लोगों को, और उन्हें लगातार मोटिवेट करते रहो कि 10 10 लोगों को वो भी आगे जोड़ें, हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ होंगे। फिर यही माननीय नरेंद्र मोदी जी विवश भी होंगे, और 21 महालक्ष्यों के लिए, जिसका हमने आपको डॉक्यूमेंट भेजा है यदि आपको देखने का अवसर मिला होगा, और 5 फंडामेंटल राइट के लिए ये 26 जो है टास्क फोर्स को गठित कर देंगे, और फिर मैथिलीशरण गुप्त उनका मार्गदर्शन करेंगे और आपको महापरिवर्तित भारत दे देंगे। जी लेकिन सर, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्ध,
तो इस बात को हम बहुत गारंटी से नहीं कहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को हमारी बात समझ में ही आ जाएगी। तो इस मॉडल में उसका भी विकल्प है। तब जो है, जो 9 दिन के सरल उपाय से यदि हम लोग अपने प्रति ईमानदार हैं, यदि हम इतने स्वार्थी हैं कि हम खुद कटना नहीं चाहते हैं, अपनी बहू बेटियों का बलात्कार नहीं देखना चाहते हैं, अपनी संपत्ति पे कब्जा नहीं देखना चाहते हैं, कम से कम इतना स्वार्थी तो हमको होना ही चाहिए। तो उस स्वार्थ के लिए ना तो आपको दंड देना पड़ रहा है, ना आपको जो है किसी जुलूस में सम्मिलित होना पड़ रहा है, ना आपको कुछ करना पड़ रहा है, ना किसी एसपी, कलेक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना पड़ रहा है, ना कहीं कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है। यदि इसके बावजूद हम मात्र जो है 9 दिन का सरल उपाय के तहत अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने पड़ोसियों को, अपने लोग जो जिनके साथ आप वर्षों से काम किए हैं, यदि हम जोड़ने का प्रयास भी नहीं करते हैं, तो मनोज कुमार मिश्रा जी, आप मुझे बताइए, यदि मैं इसे दुष्टता कहूं तो आपको क्या बहुत नाराजगी होगी? अरे ऐसा है, देखिए हम लोग जो है इंजीनियरिंग के छात्र हैं, तो यहाँ पर स्वार्ट एनालिसिस और फाइंड एनालिसिस होता, आपने भी देखा होगा, स्ट्रेंथ आपकी जानकारी के लिए वीकनेस। बता दूं, जी मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और एमटेक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हूं आईआईटी दिल्ली से। बहुत 13 डिग्रियां की हैं, बढ़िया, एलएलबी भी किया है, एमबीए 3 डिसिप्लिन में किया है, ह्यूमन बिल्कुल। रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, फिर बहुत सुंदर सर, और मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी किया है, मैं भी सर जो है मास्टर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट भी किया है, मास्टर्स इन ह्यूमन राइट्स भी किया है। तो 13 डिग्रियों के साथ, 37 साल के अनुभव के साथ, यदि कोई व्यक्ति आपको बिना प्रयास के एक महापरिवर्तित तो भारत दे रहा है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, यदि इसके बाद भी आप छोटी सी जो बात बता रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने प्रति दुष्ट हैं, अपने बच्चों के प्रति दुष्ट हैं, अपने समाज के प्रति दुष्ट हैं, अपने देश के प्रति दुष्ट हैं, और अपने बच्चों, अपनी बहू बेटियों के गैंग रेप के लिए आप उन्हें ऐसे हालात निर्मित कर रहे हैं कि इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। जिस संपत्ति का आप निर्माण कर रहे हैं, मनोज कुमार मिश्रा जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यदि लोगों ने जो है इस महाअभियान को जुड़ने में अपनी बुद्धिमानी नहीं दिखाई, तो वो एक महाविनाशकारी स्थिति में निर्मित होंगे। बाकी लोग तो कहीं ना कहीं भाग जाते हैं, जिन सनातनी हिंदुओं की बात कर रहे हैं, आपके लिए कहाँ जगह होगी? विश्व में आपके पास कोई कोना होगा जहां आप भाग के भागेंगे? और जो आप कमाएंगे, जो आप भवन निर्माण करेंगे, उसमें जिहादी जो है बैठेंगे, और आपके बिना आपकी बहू बेटियों के साथ जो उनकी बेगमें होंगी। जो बात मैं कह रहा हूं वो कहने और सुनने में बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन इस कड़वी बात को हम कहेंगे तभी हम और आप जागेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कड़वी बात सुनने के बाद नहीं जाग रहे हैं, उनका जमीर कहाँ गया है? मैं बोलूं सर, जरूर बोलिए। हाँ मेरा आपसे एक ही निवेदन है, देखिए जो मेरी व्यक्तिगत सामर्थ्य है उसके लिए तो हमने स्वीकृति दिया है, बाकी लोगों को बोल सकते हैं वो आपको कितना संतुष्ट आपको एक मिनट होंगे मैं ये फिर से बोल टोकता पाना हूं, बड़ा आपको मुश्किल है। कुछ नहीं करना है। आपको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, आप क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप के द्वारा सदस्य बन चुके हैं, आप उस ऐप को खोलिए, उसमें सबसे नीचे प्रोफाइल है, आप उस प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो आप उसमें आपका क्राइम फ्री भारत मिशन का आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड होगा। मैं आपको कहूंगा कि उसमें 4 और लिंक दी गई हैं, सबसे नीचे जो लिंक है उसको क्लिक करेंगे तो आपको क्राइम फ्री भारत का जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है वो आपके उसमें डाउनलोड हो जाएगा, आपके फोटो गैलरी में। और उसमें 3 और आपको बड़े अच्छे सामर्थ्य और सुविधा पैदा की गई है, जिसमें शेयर ऑन व्हाट्सएप करेंगे तो ऐप आपके लिए एक मैसेज जनरेट करेगा जिसमें आपकी लिंक जनरेट करेगा। वो मैथिली चरण गुप्त की लिंक नहीं होगी, वो आपकी लिंक होगी, और जो व्यक्ति भी उस लिंक से जुड़ेगा
उसके रेफरेंस में आपका नाम आएगा और आपको उस व्यक्ति को जोड़ने के लिए 100 नंबर मिलेंगे। इसमें ऐप में तीन और व्यवस्थाएं की गई हैं, जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा प्रतिदिन उनको एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिलता है। यदि आप 10 लोगों को जोड़ेंगे तो ये ऐप आपको जिला अधिकारी बनाता है, 50 को जोड़ने पर राज्य अधिकारी, 100 को जोड़ने पर आपको राष्ट्रीय अधिकारी, और सबसे बड़ी बात है कि वो आपको चंद्रगुप्त बनने का अवसर देता है। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी प्रार्थना को अस्वीकार करते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो यही जो है छोटी सी अपना प्रयास है 100 करोड़ लोगों को जोड़ने का। इसके 543 वो लोग जो अपनी लिंक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे। उनके पास सांसद का टिकट खुद पहुंच जाएगा और अपने स्वार्थ के लिए, 21 महालक्ष्यों के लिए, 5 फंडामेंटल राइट के लिए हम इन चंद्रगुप्तों को स्वयं जो है ना छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर शपथ लेते हुए उन्हें विजयी बनाएंगे। तो इन चंद्रगुप्तों को ना अपनी होर्डिंग बनाना पड़ेंगी, ना अपने लीफलेट बनाना पड़ेंगे, और ना ही किसी के दरवाजे पर वोट मांगने जाना होगा। लिहाजा ना उन्हें टिकट के लिए प्रयास करना होगा, ना उन्हें जीतने के लिए प्रयास करना होगा, और सभी 543 चंद्रगुप्तों की विजय 200% पक्का है। फिर जो प्रार्थना हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से रोज कर रहे हैं, हमारे 543 चंद्रगुप्त पार्लियामेंट में बैठकर उस नई व्यवस्था को, जिसके ऑलरेडी मॉडल्स बने हुए हैं, टेक्नोलॉजी बनी हुई है, उसे जमीन पर उतार देंगे। उसके लिए हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की जरूरत क्यों है? लेकिन हमें जगना होगा। बिना कष्ट के एक जो छोटा सा उपाय दे दिया गया है, जैसे कहा गया है कि भाई सत्यनारायण की कथा करिए, किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है, आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये मैथिली शरण गुप्त ने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से एक सत्यनारायण की कथा दे दी है जो आपका कल्याण करेगी। यदि हम इतना दुष्ट हैं, अपना कल्याण नहीं चाहते हैं, तो आपका कल्याण कोई नहीं कर सकता है। आप जो है अपने घर को इन जिहादियों को सौंपने के लिए तैयार रहिए और अपनी बहु बेटियों को उनकी बेगमें बनाने के लिए तैयार रहिए। ये बात कहने में बहुत गंदी, कड़वी, बेकार लग रही है, लेकिन यदि इसे सुनने के बाद भी हम नहीं जागते हैं तो ये मान के चलिए हमारी नियति यही है। मनोज कुमार मिश्रा जी, आप हमारी बात से कितने सहमत हैं? सर जी देखिए, मैं जो कहना चाह रहा था, आपने इस बात को पीछे भी जब हम लोगों का चर्चा हुई थी तो आपने कहा था, मेरी जो व्यक्तिगत सामर्थ्य है उसमें मैं लोगों से जरूर इसके लिए प्रयास करूंगा, लेकिन भारत के आज का जो भारत का परिदृश्य है, जो यहाँ के लोग हैं, उनका आप एक फाइंड एनालिसिस जरूर करें सर, जिसमें आप जानते हैं एफ फॉर फैक्ट, आई फॉर इशू, न्यू फॉर एन फॉर न्यू और डी फॉर ड्राइवर। आपको मैं एक हमारे मित्र ने कलकत्ता से फोन किया, वो भी हमारे सनातन संगठन में जुड़ा हुआ है, व्यापारी वर्ग का है और कट्टर सनातनी व्यक्ति है। उसने कहा हम लोग कोलकाता में रहते हैं, जो हमारी सोसाइटी सोसाइटी के बाहर नुक्कड़ पर, मैं आता हूँ आप कोई आ गए, रिश्तेदार वगैरह आया तो फिर बाद में बात करें सर। नहीं नहीं नहीं, आप एक मिनट में अपनी बात खत्म कर लीजिए। बोला नुक्कड़ पर एक व्यक्ति जो है वो सब्जी बेचता है और उसी के पास से नाला निकलता, उसी नाले में वो पानी में सब्जी धुलता है, उसी में टॉयलेट जाता, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है। इस कैमरे का पिक्चर जो है वो सोसाइटी में दिखता है कौन क्या कर रहा है। बोला ये देखने के बाद भी लोगों को हम समझाते तंग आ गए, लेकिन कई सारे मूर्ख जो है उससे अभी भी सब्जी खरीदते। भारत की सच्चाई उसने बताया, ये भारत की सच्चाई नहीं है, ये हमारी और आपके चरित्र की सच्चाई है। हम उसी सच्चाई को तो स्वीकार करना चाहते हैं और उसमें बदलाव करना चाहते हैं, बस केवल फर्क इतना है कि उस बदलाव के लिए हमने आपको एक स्मॉल छोटा सा इंस्ट्रूमेंट दे दिया है जो आपको फैसिलिटेट करेगा। अच्छा, हम तो ये कह रहे हैं कि आप अपनी भाषा में कुछ बात कर सकते हैं तो कहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि आप अपनी भाषा में बात कहने का चातुर्य यदि नहीं रखते, मतलब आपके लिए सही नहीं है वो, जिन लोगों के पास वो चातुर्य नहीं है, तो उन्हें क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर मैथिली शरण गुप्त के जो वीडियो है उन्हें साथ में बैठ के देखना है। यदि कोई प्रश्न है तो मैथिली शरण गुप्त के माध्यम से उनका निदान कराना है,
और यदि प्रश्न का समाधान हो गया है तो संकल्प लेना है, शपथ लेना है। 9 दिन में हमारे वोट से चुने हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात को मानने के लिए विवश होंगे, इसके बावजूद भी यदि हम निष्क्रिय हैं तो जो कुछ होने वाला है उसे नियति मान लिया जाए। नहीं देखिए, इसमें समय लगेगा, जो आप काम कह रहे हैं ना, आप जो मेरा अपना अनुभव वो मैं बता रहा हूँ। एक हमारे यूपी के डीजीपी रहे हैं पंडित जी, उनका क्या नाम था भूल रहा हूँ, सूर्य प्रकाश शुक्ला। नहीं, उनका सर सूर्य प्रकाश शुक्ला ने, वो गोरखपुर के रहने वाले थे। और पांडे जी वो बिहार के थे? नहीं सर। और अरे बड़ा अच्छा नाम है उनका, मुंह में नाम है, और सुब्रत त्रिपाठी जी वो डीजी थे। अच्छा जनरल, उन्होंने कहा कई सारे गरीब बोला कि आप जितने भी गरीब लोग 5,000 या हाँ 5,000 गरीब को आप लोग जो है देखिए, अब कुछ उन्होंने काम बताया था, यही काम करना है। 5,000 गरीबों की शादी हम कराएंगे, बच्चों को पुलिस में नौकरी हम दिलाएंगे, लेकिन वो हम जैसा बोलेंगे, जिस पार्टी को बोलेंगे उसी पार्टी को वोट देना, जिस प्रतिनिधि को बोलेंगे उसको वोट देना। वो इस छोटे से काम को बोला था, लोगों ने हाँ हाँ किया और बाद में उस काम को किया नहीं। तो मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ साहब, आपने जो बोला आप है उसके बिल्कुल लिए प्रयास चिंता मत करेंगे। करिए। देखिए मैथिली शरण गुप्त क्यों डिमोरलाइज होने लगेंगे? नहीं बोलना, कई बार ऐसा लगता है लोगों को, तो नहीं, हम क्या मैथिली है कि शरण गुप्त जो प्रयास है जिस मिट्टी के करेंगे। बने हुए हैं वो व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए कृत संकल्पित हैं, वो डिमोरलाइज होने वाले नहीं है। हम प्रयास करेंगे जो है, और वर्तमान समय में फैक्ट यही है कि आज, और आपको मैं एक बात बताऊं सर, अभी जैसे मैं यदि हम ब्राह्मण बार हूँ, बार जो होने वाला है उसका परिदृश्य जो है ना दिखा सकने में सफल होते हैं, और बदला हुआ परिदृश्य क्या होगा और वो भी व्यक्ति विशेष के कारण नहीं होगा, और वो लगेगा आप करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि भैया मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, हम ये सब काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ही करा देंगे। और आज जो भारत सरकार के और भारत के संसाधन है, जो हमारी एक्सपर्टाइज है, जो हमारा स्किल सेट है, हम उसी का उपयोग करते हुए इन सब चीजों को जमीन पर उतार देंगे, और भारत का वैभव देखने योग्य होगा। मैं इसमें कुछ ऐसा नहीं कहना चाह रहा था सर, एक्चुअली हम आपको सच्चाई बता रहे थे। हम लोग भी, हम लोगों का जो सनातन संगठन है उसके लिए ऐसा ही काम करते हैं, लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोग विभिन्न विचारधारा के हैं। सच्चाई को हम लोग बोल देते हैं तो बोलते हैं, अरे नहीं आप इनके बारे में ऐसा क्यों बोल दीजिए, ये तो हम नहीं स्वीकार करेंगे, ऐसे ऐसे नहीं लोग तो आप हैं। स्वीकार करो ना करो उससे स्थिति थोड़ी बदलती है। हाँ लेकिन ये आप देखिए वहां पर आप जो है, गुलामों के नियम कानून से बंधे हुए हैं, इससे अब स्थिति उनको, आपकी नहीं बदलेगी। जस्ट ए मिनट, आपको कदम कदम पर अपमानित उत्पीड़ित किया जा रहा है, आप नहीं भी स्वीकार करेंगे तो इससे स्थिति नहीं बदलेगी। घटिया कानून के तहत जो विधिक जिम्मेवारी है उनका पालन नहीं किया जा रहा है, आप स्वीकार करें चाहे ना करें आपकी स्थिति नहीं बदलेगी। राइट, जो घटिया विधिक कानून के तहत लोगों को पालन करना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जो आपके वोट से चुनके पहुंच रहा है वो पार्टी व्हिप से बंधा हुआ अत्यंत ही मजबूर प्राणी है, उसे टिकट लेने के लिए और जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो जैसे ही जीतता है वो अखंड भ्रष्टाचार में डूब जाता है। अब आपकी नैया कौन किनारे निकालेगा? और ये मानना अत्यंत ही मूर्खता होगी कि जब आपातकाल होगा तो ये नेता जो है अपने वोट के लिए अपने को बचाते हुए काम करेंगे, और ये पुलिस और सेना को आदेश ही नहीं देंगे जैसा जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। लिहाजा आपकी पुलिस और आपकी सेना आपको नहीं बचा पाएगी, जो आपकी दुर्गति होना है वो आपकी होना है। अब आपको निर्णय लेना है कि इस दुर्गति से आप अपने आप को बचाना चाहते हैं या भ्रम जाल में रहकर अपनी नियति कि आपकी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति पे कोई दूसरा जाके बैठेगा और आपकी बहू बेटियां उनके साथ बलात्कार होगा और वो माने ना माने बेगमे बनने के लिए मजबूर होंगी। क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं या 21 महालक्ष्यों और 5 फंडामेंटल राइट के साथ
महापरिवर्तित भारत के माध्यम से स्वयं का और अपने बच्चों का कल्याण करना चाहते हैं। ये विवेक और बुद्धि मैं ये मानता हूं कि हर किसी के पास होना चाहिए। और कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो आप अपने आप को चतुर मानकर यदि इस सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार करने के लिए और छोटा सा प्रयास करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं इसका दोष भी आपको नहीं दूंगा। मैं ये मानूंगा कि कॉस्मोस ने आपको विनाश करने के लिए, आपको इस पीड़ा को भोगने के लिए तैयार किया है, लिहाजा आपको अच्छी बातें समझ में नहीं आएंगी। और चाहते हुए मैथिली शरण गुप्त तो छोड़ो, भगवान भी शायद आपको उस पीड़ा से नहीं बचा पाएंगे। आपकी बात पूर्ण हुई सर? बात भी पूर्ण हो गई है और इस वार्तालाप को विराम भी देना चाहेंगे। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं एक ही बात कहा कि आपके विचार को हम जरूर लोगों को पहुंचाएंगे, कितने सफल होंगे ये बोल पाना बड़ा मुश्किल है सर। देखिए सफलता की जरूरत ही नहीं है, केवल सिंसियरिटी से, शपथ से, संकल्प से यदि हम प्रयास करेंगे और यदि हम सफल नहीं भी होते हैं तो कोई संकोच नहीं करना है, क्योंकि 90 करोड़ लोग यदि किसी को भी नहीं जोड़ पाते हैं संकल्प और शपथ के तहत प्रयास करने के बावजूद भी, तो भी ये मॉडल 100 करोड़ पर पहुंच रहा है। हमें तो केवल 9 करोड़ लोग ऐसे चाहिए जो 10 लोगों को जोड़ दें, हमें तो केवल 90 लाख लोग ऐसे चाहिए जो 20 लोगों को जोड़ दें, हमें तो केवल 9 लाख लोग ऐसे चाहिए जो 30 लोगों को जोड़ लें, हमें तो केवल 90,000 चाहिए जो 40 लोगों को जोड़ दें, केवल 9,000 ही ऐसे चाहिए जो 50 लोगों को जोड़ दें, केवल 900 चाहिए जो 60 लोगों को जोड़ दें, केवल 90 चाहिए जो 70 को जोड़ दें, केवल 9 लोग चाहिए जो 80 लोगों को जोड़ दें, और केवल एक व्यक्ति चाहिए जिसका नाम मैथिली शरण गुप्त है, जो अधिक नहीं केवल 90 लोगों को जोड़ दें। मैं मनोज कुमार मिश्रा जी आपको बताना चाहूंगा, चूंकि आप ऐप का हिस्सा हैं तो मैथिली शरण गुप्त ने ऑलरेडी 1690 लोगों को जोड़ दिया है और मैं कमिटेड हूं, मैं आप लोगों को दोनों तरीके के परिदृश्य दिखाकर सोचने के लिए मजबूर तो जरूर कर दूंगा। मैं आपका भाग्य नहीं बदल सकता हूं, मैं आपकी नियति नहीं बदल सकता हूं, लेकिन ये नियति आपने चुनी है, आपको किसी दूसरे को दोष देने का कोई हक नहीं है। ये मैं बड़े फर्म तरीके से, निर्णायक तरीके से, कठोरता से, प्यार से आप तक ये बात जरूर पहुंचाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।